हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है कुछ डिफरेंट होने वाली है। डिफरेंट ऐसे है कि आज की जो हमारी वीडियो है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर है, जो कि है प्रोजेक्ट कोरे। तो चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, आपको दिखाते हैं उसमें क्या क्या चेंजिंग आएंगी और क्या क्या उसमें चीज़ें इंस्टॉल होंगी और क्या क्या उसमें पेंट होगा, सब कुछ इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे। तो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। तो चलते हैं प्रोजेक्ट कोरे की तरफ। ये हैं जी फारूक, उस्ताद फारूक हैं। देख कोरे को तैयार कर रहे हैं। ऑटोमेटिक कोरे वैसे बहुत कम ही आती हैं। अच्छा तो, अभी देख लें। जी फारूक भाई, इसको कितना टाइम लग जाएगा तैयार होने में आपके ख्याल से? इंशाल्लाह 2 दिन बाद ऐसे रेडी होगी गाड़ी। अच्छा, हाँ जी, हमारी तो कोशिश है 2 दिन में। फारूक भाई जो भी गाड़ी तैयार करते हैं बड़ी मेहनत से करते हैं और दिल से करते हैं, और थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन गाड़ी अच्छी तैयार करते हैं। दूसरे एक भाई दिन के साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे तैयार होगी आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। ये देखें जी, ये एक क्रोला अल्टस, इसकी हालत देखें क्या हुई है। जैसे अब गाड़ी तैयार होगी आपको दिखाते रहेंगे और शॉर्ट्स भी देते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पर पुटीन वगैरह लग गई है और वर्कशॉप की ज़ुबान में कहें तो इसकी मंजाई वगैरह भी हो चुकी है। अब टाइम है इसके ऊपर अस्तर लगाने का। ओके सर, ओके। अब इस पर अस्तर लगेगा और अस्तर को फिर देते हैं एक दिन। एक दिन होने के बाद फिर नेक्स्ट डे उसके ऊपर होता है पेंट। अस्तर बहुत गाढ़ा यार, मैं रखी ना तेरे। फारूक भाई हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इनकी अब आपको जो मेहनत है ना वो अब इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे टाइम टाइम पे। उसमें हमने कुछ शॉर्ट्स और कुछ वीडियोस बनाई हैं, तो मज़ीद आपको इंशाल्लाह उसमें अपडेट देते रहेंगे। उम्मीद है आज जो है अस्तर इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो कल तक इंशाल्लाह उम्मीद है शायद पेंट भी हो जाए। अगर ना भी तो परसों उम्मीद है इंशाल्लाह पेंट हो जाएगी गाड़ी, क्योंकि एक दिन अस्तर को सूखने में भी दिया जाता है। बाकी चलते हैं शॉर्ट्स की तरफ।
बताएंगे मेरे पास तो है।